सिर्फ एक फोटो क्लिक करने के आपको 500 रुपये मिलेंगे। स्कीम के अंदर क्या हुआ कि अगर रोड पे किसी ने भी अपनी गाड़ी गलत जगह पे पार्क की हुई है, आपको उसकी फोटो लेनी है, आगे सेंड करनी है। अगर उस ड्राइवर का 1000 रुपये का चलान कटता है तो आपको 500 रुपये एज ए रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इस स्कीम के आइडिया के बारे में दोस्तों खुद हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने प्रोग्राम के अंदर बताया है। अभी फिलहाल ये स्कीम लॉन्च नहीं हुई है, पर लेकिन बहुत ही जल्दी से लॉन्च किया जा सकता है। बस यार जल्दी से स्कीम मार्केट में आ जाए, फिर तो डेली 1-2 घंटा बाजार घूमूंगा अपने मस्त, और 3-4 तो मतलब भेज दूंगा फोटो। बाकी यार सभी को शेयर करके बताओ कि ऐसी भी स्कीम आने वाली है यार, बहुत जबरदस्त है। सिनेमा हॉल्स के अंदर अनलिमिटेड पॉपकॉर्न खाने की आपको निंजा टेक्निक बताने जा रहा हूं आज। आपको क्या करना है, किसी के भी पॉपकॉर्न उससे छीन लेने हैं, और अगर वो बोले कि भाई तूने मेरे पॉपकॉर्न क्यों छीने, तू मुझे सिनेमा हॉल के बाहर मिली, उसको ऐसा बोल देना और मजे से उसके पॉपकॉर्न खाओ, एंजॉय करो। बाकी ये निंजा टेक्निक नहीं है हमारी। देखिए ऑफर ये है कि अगर आप आइनोक्स सिनेमाज के अंदर ट्यूजडे को जाते हो तो वहां पर एक ऑफर चलता है, अगर आप बिग टब लेते हो पॉपकॉर्न का उनका, तो उसके आप अनलिमिटेड रिफिल्स करवा सकते हो 4 घंटे तक बिल कटने के बाद। एक बार आपने पॉपकॉर्न खा लिया, फिर से दोबारा भरवाओ, फिर से दोबारा भरवाओ। वैसे उसका प्राइस ही थोड़ा इतना ज्यादा होता है, पर लेकिन यार 2-3 दोस्त मिलकर जाओ और यार पूरा पैसा वसूल चीजें। और एक और चीज आप बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड पा सकते हो, वो है नॉलेज, और वो मिलेगी आपको मुझे फॉलो करके। हरिद्वार में एक दूल्हे के दोस्तों ने ही उस पर 50 लाख का केस फाइल कर दिया, और रीजन क्या था कि जो दूल्हे की बारात थी वो बिना उनको लिए ही आगे चली गई, यानी कि जब उसके दोस्त वहां पर पहुंचे तो बारात ऑलरेडी निकल चुकी थी। दूल्हे के दोस्तों ने बताया कि हमने खुद अपने हाथों से उसकी शादी के कार्ड बांटे थे, उसके ऊपर टाइम 5 बजे लिखा था बारात डिपार्चर का, हम 5 बजे से पहले वहां पहुंच गए थे, पर फिर भी बारात हमें बिना लिए निकल गई। और जब उन्होंने बाद में कॉल किया दूल्हे को कि भाई तुम निकल गए कहां पर हो, तो बोला यार हम निकल चुके हैं, तुम लोग लेट हो गए, तो अब तुम घर जाओ। इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हुआ और उन्होंने केस फाइल कर दिया 50 लाख रुपए का, और साथ में 3 दिन के अंदर पब्लिक अपोलॉजी भी मांगी है।